उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होगे और हम दोनों भी बहुत ठीक हैं और मजे में हैं। और मैं अभी साइलेंट पे हूँ। हाँ, आज जो है ज़हरा मुझसे कुछ सवाल करेगी और उसके मैं जवाब दूंगी। वो आप सब लोगों के साथ हम शेयर करना चाह रहे थे कि ये मैं मुझसे क्या सवाल करती है और मैं इसको क्या जवाब देती हूँ, और ये एक फन वीडियो होगी। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं। मैं जूनी से सवाल करूंगी और जूनी उसका सच सच जवाब देगी। वो मैं सवाल अपने लिख के आई थी, ये सवाल लिख के आई थी। मैंने इसको कहा था कि मैं भी सोचा, मैंने कोई भी सवाल जो है ना सोचा नहीं गया। ओके, तो हम अभी पहला जो मेरा सवाल है वो है कि जूनी का पूरा नाम क्या है। मेरा नाम ज़ैनब आगा। तो जूनी आपका निकनेम है? हाँ, ये मैंने खुद रखा था क्योंकि मतलब ये एक सच है जो मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि जूनी मेरा नाम किस तरह से हुआ था। किस तरह जूनी मेरा नाम इस तरह से हुआ था कि दो बकरे आए थे हमारे घर में। मेरे अब्बा दो बकरे लेकर आए थे, दोनों छोटे थे, कुछ छोटे नहीं बड़े थे, मतलब कुर्बानी के लिए बकरे आए थे ना। तो मैं बहुत बचपन में मतलब एनिमल लवर थी ना, तो मैंने बकरे देखे, एक का नाम मैंने कहा इसका नाम क्या रखूं, मैंने कहा मेरा नाम ज़ैनब है, इसका नाम मैं जूनी रखती हूँ। तो ऐसे जूनी रखा, एक अजूमा रखा। तो जैसे दूसरे दिन वो कुर्बान हो गए, मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे लगा कि यार जो है ना मुझे ये थोड़ा नाम न्यू लगा ना जूनी। तो मैंने कहा यार बकरे का नाम क्यों रखा, ये नाम मेरा और अच्छा है। तो तुमने तब अपना नाम, तब मैंने अपना नाम जूनी रखा। सबको बताया, सब पूछते थे आपका नाम क्या, मेरा मेरा नाम जूनी है। तो इस तरह से ये जूनी की कहानी है, जूनी की कहानी दो बकरों के दरमियानी ये है, स्टार्ट हुई। ठीक है, अच्छा जूनी के कितने बेबी हैं? मेरे दो बेबीज हैं। मेरी नाम भी बता दें, हुरैन और आइलिन। ओके, आपका तालुकात कैसे है अपने शोहर से शादी के बाद, क्या है? मेरे तालुकात बहुत अच्छे। नहीं नहीं, वो मुझे पहले ही मुझे फनी आ रही है। चलो, आपके तालुकात कैसे हैं अपने शोहर के साथ? बहुत अच्छे। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? मेरे शोहर के साथ मेरे बहुत अच्छे तालुकात हैं। मैं उस बेचारे को बहुत डांटती हूँ, मतलब मैं बहुत तेज हूँ, वो बहुत अच्छा है। शादी का तुमने चल जाता है सिस्टम। अच्छा, वैसे तुम्हारी एज क्या है? यार एज वैसे नहीं पूछनी चाहिए ना। अच्छा नहीं बता, 20 साल कर दो, 20 इतने बड़े, 18 साल, 18। अच्छा सही है, सही है। सच में मेरी एज जो है 26 है। वाकई? हाँ आजकल की लड़कियां बस कहती हैं कि अभी तो मैं 20 साल की हुई हूँ, अभी तो मेरा NIC नहीं बना, मेरा पासपोर्ट नहीं बना। भाई अजीब है, आधी 20 की भी नहीं होती है बेचारी, 26 इयर्स की हूँ। ये काफी लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं इसलिए। अच्छा जूनी, मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा खाती है। अभी हम दोनों साथ खाना खा के आए, यकीन करें मैंने एक रोटी खाई है क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसने माशाल्लाह से तीन रोटी खाई, नहीं मैंने ढाई रोटी खाई थी। अच्छा, प्लेट में चार रोटियां रखी थी, इसने चार मंगा ली थी, उसमें से इसने ढाई खाई, जो कि आधा घंटा बैठ कर मैं खाली इसको यूं देखती रही थी, देख रही और ये देख के हंस रही थी। मतलब एक रोटी मैंने खा ली जल्दी से, दूसरी फिर स्लो स्लो आस्ते आस्ते खा रही हूँ, फिर ऐसे देख रही है, फिर ऐसा यही भाई। मतलब जब अच्छी चीज बनती है ना, मतलब जैसे मेरी फेवरेट चीज हो तो मैं चार रोटियां भी खा के खाऊंगी, अगर नहीं होगी तो एक रोटी भी मुश्किल से खाऊं, मतलब इस तरह से है मेरा। अच्छा, खा पी के आप पतली रहती हैं? हाँ, तो मैं इस तरह से होता है ना, दिन रात मेरी फेवरेट चीज थोड़ी बनती है। अब जैसे अभी बनी दोपहर को, वो बना था क्या कहते हैं आलू का पुलाव, मैं बिल्कुल भी आलू के पुलाव, मैं आलू की चीजें मतलब इस तरह से नहीं, मुझे गोश्त वाली चीज ज्यादा पसंद है। पासपोर्ट खोल के रोटी। जूनी कौन सी चीज के लिए कुछ भी कर सकती है, मेरा अगला सवाल है। यार अगला, मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ, चीज के लिए या इंसान के लिए? कोई भी चीज, इंसान, इंसान, इंसानों में अगर मैं कहूँ तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। हाँ। उसके अलावा कोई मतलब मुझे नजर नहीं आता अपने आसपास। ओके। और अगर चीजों के बारे में कहा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ खाना ही हो सकता है, जिसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, खाने के अलावा मुझे मतलब। अच्छा
वैसे जूनी को अपनी लाइफ में क्या बनना था, अगर वो शादी ना करती तो वो क्या बनती? नहीं, शादी का मुझे बचपन से शौक था। अच्छा। वैसे ये तो मैं आपको बता दूं, शुरू से मुझे शौक था कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए बस। अच्छा। और मेरे ढेर सारे बच्चे हो, ये तो आपको भी पता होगा। हाँ, ये मुझे पता। तो शादी का मुझे बचपन से शौक था, मैं कहती थी बस जल्दी मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो, मेरी फैमिली हो। पर जब की तो पता चला कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मतलब ऐसे मजाक नहीं है ना शादी। फंस गया बंदा एक बार। अच्छा, वैसे जो है मेरा वो था क्या कहते हैं कि मुझे क्या बनना है, शुरू से मुझे बड़ा एक ख्वाब था कि मैं फनी वीडियोस वगैरह बनाती थी। तब टिकटॉक वगैरह कुछ भी नहीं होता था, तब यूट्यूब तो होता था बट टिकटॉक वगैरह नहीं होता था। काफी लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे होते थे, और जैसे ही टिकटॉक वगैरह आया है तो लोगों ने व्यूज ही कम कर दिए हैं मेरे। लानत पड़ी हुई है मेरी शक्ल पे यार, बस क्या कहें टिकटॉक पे तो। हाँ, तो मैंने असल में छोड़ दिया ना, बीच में छोड़ दिया, फिर करने लगी। पर मेरा शौक था लॉयर बनने का। वैसे मेरे अब्बा का था मैं डॉक्टर बनूं, पढ़ने का मुझे ज्यादा शौक नहीं था, तो इसीलिए करते करते मैं बस बच्चों की माँ बन गई। हाँ, बच्चों की माँ बन गई, बस बीए कर लिया मैंने ग्रेजुएशन करके। और चलो भैया और सवाल का, जूनी फेमस होना क्यों चाहती है? जूनी फेमस इसलिए होना चाहती है क्योंकि जूनी इंडिपेंडेंट, शुरू से इंडिपेंडेंट होना चाहती है। मतलब वो अगर फेमस होगी तो ही वो पैसे कमाएगी, और वो जो पैसे कमाएगी वो सिर्फ उसके अपने होंगे, अपनी मेहनत के, वो उसके अपने पैसे होंगे। इसलिए वो किसी से मांगेगी नहीं, अपने बाप से नहीं मांगेगी, अपने भाई से एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले तो हम उन्हीं से मांगते हैं, अपने शोहर से नहीं मांगेगी। मतलब जूनी इसीलिए पैसे कमाना चाहती है और इसीलिए फेमस होना चाहती है। ओके जी, जूनी मर्द है या औरत? जूनी अब मैं मतलब वैसे तो मुझे सब लोग कहते थे अब ना मर्द है ना औरत है। हाँ, मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे लगने लगा कि मैं औरत हूँ। ओके, जूनी बच्चों की पोटी साफ करती? जाहिर सी बात है, सारा दिन करनी पड़ती है, मतलब करती है। अच्छा, जूनी को मूछें आती है? आती है। ओके, पहले आती थी तो उतारती थी, अभी टाइम नहीं मिलता उतारने का। अभी भी शायद होंगे नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी उतार किया है। आपको पता था ना हमारा इंटरव्यू कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले। ओके, जूनी दिन में कितनी दफा खाना खाती है? खाना कभी दो बार खाती है, कभी छह बार खाती है। तो इस हिसाब से वॉशरूम कितनी दफा जाती होगी? वॉशरूम दो बार, एक बार सुबह को जाती हूँ, एक बार रात को जाती हूँ। ओके, जूनी ब्रश करती है दांतों को? करती है, रोज करती है, पर फिर भी पीले ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, हाँ। हो जाएंगे साफ। हमारे सारे व्यूवर्स दुआ करेंगे कि जूनी के दांत साफ हो जाए, और जूनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हंसाती हो। जब भी मैं उदास होती हूँ ना, मेरा दिल दुखा हुआ होता है, कुछ भी होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि भाई जूनी के पास जाना, जूनी मुझे अब बहुत खुश कर देती है। मेरा जो मूड ऐसे होता है ना, वो बिल्कुल खिलखिला जाता है और मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये आपको करना अच्छा लगता है? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से। मतलब मैं और पागलों जैसी शक्लें बनाती थी, पागलों जैसे बाल, अपने बाल ऐसे घुमा के गोल गोल, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई। अच्छा। क्या है। और ऐसे ही मैंने शुरू में काफी टाइम पहले से लोग, तो आप दोबारा उस फील्ड में आ जाए, दोबारा हंसा सबको, दोबारा हंसाना बहुत अच्छी बात है लोगों को। और वो डिप्रेशन आसान भी है, अगर मैं हंसाने वाले ब्लॉग्स बनाऊँ ना तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कौन से वाले ब्लॉग चाहिए, जूनी के सीरियस वाले ब्लॉग चाहिए या जूनी के कॉमेडी हंसने वाले, क्योंकि आजकल इतना डिप्रेशन है ना, इतना दुख है, इतने मुसीबतें आ चुकी हैं, तो ऐसे बंदे होने चाहिए हमें हंसाने के लिए, राइट। और वो जो है ना इंडियन, कौन मुझे अच्छी लगती है, भारती, भारती और जो उसका हस्बैंड है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मेरी फेवरेट है। जूनी तुम भी उनको देखती होगी, भारती को भी देखती। भारती तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, करती है सारा दिन, बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे जहर लगती है। Okay. और उसका मियां तो मुझे उसके साथ और जहर लगता है, वो बेचारी इतनी मोटी और वो इतना, अब तो वो काफी पतली हो गई है, उसका बेबी भी हो गया। नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, बेबी तो मैंने सुना था कि उसको बेबी हो गया। बनने वाली ना वो ये है कि जूनी आपका नाम बचपन में एक क्यूट नाम और भी था जो कि आपने रखा था या आपके दोस्तों ने रखा था, तो आप प्लीज सबको वो अपना नाम बताएं कि कैसे रखा और क्यों।
असल में ना मैं शुरू से जो है वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगाती हूँ ना, तो सब कहते थे बार बार वॉशरूम जा रही हो। अभी भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, तो मैंने अपना नाम जूनी टट्टी रखा था। सॉरी पर इसने पूछा तो मुझे बताना पड़ा। ये भी कोई नाम है? अच्छा, जब शुरू शुरू में इसने मुझे अपना नाम बताया, मैं इतना पागल हो गया, अभी तक मैं इसका नाम सुनती हूँ और मेरी हंसी निकल जाती है, मतलब हंसी बहुत ज्यादा आती है, निकलती नहीं है, बहुत ज्यादा आ जाती है। तो आप लोगों को भी आएगी कि कोई अपना नाम सुनी टट्टी कैसे रख सकता सुनी तो रख सकता है, टट्टी कैसे रख सकता है। हाँ जी यार, जूनी तुम्हारे जैसा और कोई नहीं। ठीक है, थैंक्स जूनी। अगर सोचो, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर तुम चेयर होती तो तुम क्या चाहती, कौन तुम्हारे ऊपर बैठता, किसको बिठाना पसंद करती? सवाल कर रही हो? बस यही सवाल किसको है, बिठाना पसंद करती है तुम्हारे ऊपर? बस कोई भी बैठ जाता, कह रहे कोई साफ सुथरा होता, सिर्फ कोई भी बैठ साफ सुथरे लोग बैठ जाते। हाँ अच्छा, बदबूदार लोग मुझे नहीं पसंद। अच्छा, बदबूदार लोग मुझे नहीं पसंद, साफ सुथरे लोग। यार बदबूदार बनना वैसे रहना भी नहीं चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। रखनी चाहिए, सफाई नफ्स ईमान है। तो अपना और अपने साथ बैठने वालों का ख्याल किया करे जूनी, तुम भी ख्याल किया करो हमारा। क्यों मुझे में बदबू होती है क्या? नहीं, ऐसे ही सबको बोल रही हूँ तो आपको ही बोल दिया। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि जूनी जब फारिक फ्री टाइम में बैठी हुई होती है तो वो क्या करती है? ये पूछने का सवाल है, आपको नहीं पता? नाक में उंगली लगाती है, नाक में उंगली डाल के गोल गोल घुमाती है। ये तो मेरा फेवरेट काम है यार। तो जूनी का ये फेवरेट काम है कि फारिक टाइम में नाक में उंगली डाल के गोल गोल घुमाना। अच्छा, एक और सवाल था जो कि मैं भूल चुकी हूँ, वो कौन सा सवाल था? मुझे नहीं पता। नहीं पता मुझे किसे पता चलेगा सवाल आप। अच्छा, एक और सवाल है कि जिंदगी में वो कौन सा सबसे बड़ा झूठ है जो आपने बोला होगा? यार झूठ बहुत बोले हैं, सीधी बात है, सच बहुत कम बोले थे। अभी मतलब काफी टाइम से मुझे लगता था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसीलिए मैं सच बोलना शुरू किया है। तो असल में मैं पहले बहुत झूठी थी, बहुत बड़ी मकार झूठी थी। हाँ, तो बहुत झूठ बोलती थी ना। हाँ, सच में मेरे साथ भी तुमने फिर ज्यादा झूठ बोला। तुम्हारे साथ नहीं, कभी भी नहीं बोला तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ हर चीज शेयर की है मैंने। हाँ, किसी के साथ नहीं की, किसी को पता भी नहीं होगा इतनी सारी बातें जो तुम्हें बताएं। अच्छा, जो कि मैं जब से जब से मेरा मियाँ मेरी जिंदगी में आया तब से मैं कम झूठी हुई हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत सुनाई कहा हर बात में झूठ बोलती हो, झूठ मत बोला करो, सच बोलोगी हर बात मानूंगा। फिर मैंने सच बोलना शुरू किया और वाकई में वो मेरी हर बात मानता है अब। कितना डरा मत करो, सच बोला करो, सच बोलोगी मान जाऊंगा, झूठ बोलोगी कल पता चल जाएगा, इसीलिए मैं सच बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, वैसे हंसी दर ये दांत कहाँ गया तुम्हारा? क्या मैं इंसल्ट कर रही है? आप मेरी इंसल्ट क्यों कर रही हो इतनी? मेरी आंख में कुछ चला गया। ये मेरा दांत, इसकी जो कहानी है ना इस दांत की, ये है बचपन में दांत टूटते थे, ठीक है, आप लोगों के भी सबके टूटे होंगे। तो मैं ना कुछ अजीब सी बंदी थी ना, हूं बल्कि अब भी, तो दांत टूटना बंद हुए मैं परेशान हो गई कि दांत क्यों नहीं टूट रहे, मतलब सारे दांत आ गए थे, फिर मैंने जबरदस्ती दांत तोड़ा था। उसके बाद आया ही नहीं बस। हाँ। इतना सा आया। अच्छा, और हंसती हूँ तो बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं पिक्चर वगैरह दांत लगवाओ। नहीं यार, मैं नहीं लगा, कब्र में जाऊँ तो फिर डर लगता है ना, निकलवा देंगे ना फिर। हाँ, फिर जब तक जम जाऊँ मैं वहीं पे, फ्रीज हो जाऊँ। हाँ, ये बात भी है। चलो, सवाल है मेरा कि जूनी ने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें देखी है, बहुत चीजें देखी है। सबसे गंदे और खतरनाक याद है तुम्हें? तुमने एक दफा चीज देखी थी, तुम्हारे वॉशरूम में थी, तुम मैं और तुम्हारी बहन ने देखी थी, क्या तुम्हें याद है वो? नहीं, क्या चीज थी वो? वॉशरूम में तो बहुत गंदी चीजें हो जाती हैं, होती हैं। सोचो, कमोड में पड़ी थी कुछ पोटी। यार लोग पोटी करके फ्लैश नहीं करते। हाँ, तो मेरे वॉशरूम में एक बार पोटी पड़ी हुई थी, वो मैंने देखी थी और वो बहुत जहरीली पोटी थी। उस रात हम जो हंसे थे, सारी रात हम हंसे थे, पूरी रात हम उस पोटी को देख के हंसे थे कि ये क्या है, मतलब हाथी का बच्चा था, कमोड में छोटा हाथी का बच्चा पैदा हुआ था। एक थोड़ा सा, पांच छह इतने बड़े बड़े लेंडे थे। नहीं, तीन थे। तीन तो इसको
इतना याद है कि तीन थे मगर बहुत से थे और उसमें बदबू भी बहुत ज्यादा थी ना, तो बस तो सबसे बेड एक्सपीरियंस हमारा वो था, वही था, वही रात थी। पर उस रात बहुत मजा आया था हमें, हम बहुत अच्छे थे, पूरी रात हम जोर जोर से हंसते थे। के जी, तो हमारे सवाल जवाब अभी के लिए इतने थे। अगर आपको कुछ और सवाल जवाब पूछने हैं जूनी से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, जूनी को टेक्स्ट कर सकते हो, और इसके अलावा कमेंट में बता सकते हो कि अभी मुझे जूनी से क्या क्या सवाल करना चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट व्लॉग जो हमारा होगा वो जूनी मुझसे इंटरव्यू लेगी और इसके बारे में मैं बताऊंगी, तो वो भी मुझे बता दे कि आपको अगर ये अच्छा लगता है तो फिर हम वो वाली वीडियो भी बनाएंगे। और चैनल को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, जूनी का चैनल मैं नीचे मेंशन करूंगी, आपने जल्दी से जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और ब्लॉग्स देखने। और अभी हम लास्ट गेम खेलें, गेम के साथ हम अपना ब्लॉग एंड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और हम भी, मतलब अभी सिचुएशन कुछ ऐसी हम बता नहीं सकते। तो हमारा लास्ट गेम ये है कि जूनी ने दोनों एयरपोर्ट्स लगाए हुए हैं, मैं यहाँ से गाना प्ले करूंगी, ठीक है, और मैं एक अल्फाज बोलूंगी, जूनी को वो अल्फाज बोलना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तीन दफा वो अल्फाज दोहराऊंगी, उसके अलावा नहीं, वरना फिर टाइम तो हार जाएगी। तीन दफा मैं दोहराऊंगी, तीन दफा, चलो ठीक है, ओके, गानो, ओके, गाना प्ले हो रहा है, ये मैसेज में लगी हुई है क्योंकि फोन इसका है, मेरा फोन यहाँ सामने है, तो गाना प्ले कर दिया। मैं जूनी से सवाल पूछने वाली हूँ, जूनी अब तुमसे सवाल पूछूंगी तुम उसको जवाब देना, तीन दफा दोहराऊंगी वो सवाल। रसगुल्ला, 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 यार ये तो तुमने सही बता दिया, सही। मोहनजोदड़ो, मोतीचूर के लड्डू, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, वाह नाइस, यही मैंने बोला। अच्छा एक और, ना ना। मैंने प्यार क्यों किया, पिंकी प्यारी हुई। मैंने प्यार क्यों किया, पिंकी फट गई। मैंने प्यार क्यों किया, गाना बंद हो गया, गाना बंद हो गया, गाना बंद हो गया, खत्म हो गया। मैंने प्यार क्यों किया, बिल्ली को दो बच्चे हो गए। नहीं, मैंने प्यार क्यों किया, मैंने प्यार क्यों किया, इसको नहीं बताना, मैंने प्यार क्यों किया, ताड़ाड़ाड़ा। अच्छा ये लास्ट है, अब लास्ट में बताने वाली हूँ, उसके बाद ये राउंड जूनी हार जाएगी, ठीक है। मैंने प्यार क्यों किया, मैंने बच्चा फेंक दिया। अच्छा लास्ट वन ट्राई लेते हैं, मैंने प्यार क्यों किया, कुत्ते का बच्चा निकला। नहीं जूनी, चलो बस ये राउंड यहीं पे खत्म करेंगे, जूनी इसके इसके साथ हार चुकी है, दो सवाल के सही जवाब दिए थे, निकालो, दो सवाल के सही जवाब दिए थे जूनी ने और एक गलत दिया, एक में जूनी हार चुकी है, वो मैंने मेरा था, मैंने प्यार क्यों किया, मैंने बचा भी। जी तो चाय मेरी आ गई है, इतनी गर्मी के मौसम में लाइट भी नहीं, पखा भी नहीं चल रहा, मेरी चाय से पसीना टपक रहा है, चाय लवर चुप करो, हो गई। अच्छा लास्ट में हम चाय के साथ, मैं चाहती हूँ कि जूनी के कुछ मीठा अंदाज सुना जाए, जूनी के कोई, हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो कोई धड़कता भड़कता गाना होना चाहिए यार, लोगों को मजा आना चाहिए, वाह जूनी का गाना सुनाऊंगी। गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप, कोई भी आपका फेवरेट सुना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हसौनी हो गया, दिल दिया गल्ला है, क्या बात, क्या बात है, करांगे नाल नाल बेके, अक नाल अक नू मिला, सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्ला है, करांगे रोज नाल बेके, अक नाल अक नू मिला। पानी चाहिए, नहीं नहीं
ठीक है, और कुछ सुनना है या तोबा कर लिया आपने? नहीं, अब हमारे व्यूवर्स बताएंगे जो हमारा व्लॉग देखेंगे, अगर उनको आपका गाना अच्छा लगेगा तो वो फरमाइश करेंगे, फिर आप गाना सुना दीजिएगा, ठीक है? जरूर, ठीक है जी। इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये अपने चैनल पे जो लगाएगी तो उसके लिए मैं बता दूं, मेरा चैनल है ज़ेना खान JNAKHN और मेरे चैनल पे जो है तो देखेंगे और फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा और अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा।